हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर परविंदर सिंह, और आज हम डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक डिजीज़। तो इसमें हमारी फर्स्ट डिजीज़ है मिल्क फीवर। आप सभी को पता है इट आल्सो कॉल्ड पोस्ट पार्टुरेंट हाइपोकैल्सीमिया एंड पार्टुरेंट पैरेसिस, एंड बेसिकली इट्स फैट कैटल एंड बफलो, स्पेशली इन हैवी मिल्क डेयरी एनिमल। जो हैवी, जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु है उनमें ये देखने को मिलता है, और ये शीप, गोट और पिक और डॉग के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो हाई यील्डिंग ब्रीड होती है, जो ऑस्ट्रन फ्रीजियन या फिर अमेरिकन, जो इन इन ब्रीड्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर बफेलो की बात करें तो बफेलो में अगर हाई मिल्क यील्डिंग एनिमल्स है तो उसमें ये हो सकता है। तो पैथोजेनेसिस क्या है, इसमें क्या है, स्पेशली कॉमन इन हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स, पार्टिकुलरली नॉट फीड विद सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एंड आफ्टर पार्टुरेशन इन हाई लैक्टेटिंग एनिमल्स। इनिशिएशन ऑफ लैक्टोज काज सीवियर आउटफ्लो ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इन टू मिल्क एंड रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन बाय पैराथायरॉइड हार्मोन टू मेंटेन दी कैल्शियम हेमोस्टेसिस। बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर एडिक्यूट अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फोरस की सप्लाई ना हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि पार्टुरेशन के बाद उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में मिल्क सीक्रेट होता है, तो क्या होता है उसमें कैल्शियम की कमी होगी। ठीक है, और वो कैल्शियम आता कहाँ से है, वो आता है ब्लड सर्कुलेशन से। तो ब्लड सर्कुलेशन में कैल्शियम की कमी होगी तो उसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। तो उसमें जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो एक्टिव होता है, जो कैल्शियम की रिजॉर्प्शन बढ़ाता है, और जो बोन्स है वहाँ से कैल्शियम अब्जॉर्ब होता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, एनिमल है वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा, वीकनेस होगा उसके अंदर, एनोरेक्सिया आ सकता है। ठीक है, और उसमें क्या है कि ग्रिनिंग ऑफ टीथ एक कॉमन फिनोमिना है मिल्क फीवर के अंदर। आइज होगी वो ड्राई होगी, स्टीरिंग मसल एंड ट्रिमर्स में भी सीन, जो रूमनल है, रूमनल ऑटोनी है वो भी देखने को मिल सकती है, ब्लोट भी हो सकता है कुछ तक कई बार, एंड फ्लोट बाय दी रिकम्बेंसी एंड ड्रोइनेस प्रोग्रेसिव टू कोमा एंड मे बी डेथ इफ प्रमोट ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन। अगर इंस्टेंट ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। इट प्रमोट ट्रीटमेंट लीजन्स, स्पेशली देर इज नो लीजन सीन, इस्चीमिक नेक्रोसिस में आफ्टर पोस्टमार्टम वी कैन से। तो ये जनरल फिनोमिना है मिल्क फीवर के अंदर। उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें हमें क्या देना होता है कि हमें मिल्क जो कैल्शियम है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए माइफेक्स दे सकते हैं, माइफेक्स या फिर जितने भी कैल्शियम प्रिपरेशन आती है वो दे सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें एडवाइज़ करना चाहिए, स्पेशली जो क्रॉस ब्रीड और बफलो के अंदर, कि आप प्रेगनेंसी के दौरान एडिक्यूट अमाउंट में कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसकी जो प्रिपरेशन है मार्केट में अवेलेबल होती है डिफरेंट टाइप्स की, वो कंटिन्यू रखें। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस है किटोसिस। किटोसिस क्या है, इट अफेक्ट्स मोस्टली डेयरी एनिमल एंड बफलो एंड इट्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय किटनोरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, लो है हेपेटिक ग्लाइकोजन कंटेंट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म है वो इन्वॉल्व होता है। उसमें क्या हुआ कि हेपेटिक ग्लाइकोजन कंटेंट है वो कम हो जाता है। इसके बेसिक कॉज क्या है, इट्स मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक इम्पोर्टेंट रीज़न है, इनएडिक्यूएट न्यूट्रिशन है, एनिमल को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, डाइटी डेफिशिएंसी ऑफ कोएंजाइम, हेपेटिक इंसफिशिएंसी हो सकती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी इसका एक रीजन हो सकता है, टाइप ऑफ फीड लाइक साइलेज एंड हाई प्रोटीन फीड,
जो हाई प्रोटीन फीड है अगर हम उसको एनिमल के ऊपर रखेंगे तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट बेसिकली कम होगा, तो उससे क्या है कि एकदम से एनिमल की बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि उसमें किटोसिस के सिम्टम्स मिल सकते हैं बेसिकली। तो किटोसिस है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी। इन केस ऑफ प्राइमरी वो ड्यूरिंग द 10 दिन से 8 हफ्ते के काविंग के बाद हो सकती है, और सेकेंडरी काविंग है वो क्या होती है, वो किसी डिजीज के बाद हो सकती है, यानी कोई डिजीज हो जाए एनिमल को। डिजीज होने के बाद क्या होगा कि वो खाना पीना छोड़ देगी, एनोरेक्सिया होगा उसमें। तो उस केस में क्या होगा, जो किटोसिस होगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी किटोसिस। किटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी किटोसिस है उसको अनकॉम्प्लिकेटेड किटोसिस बोलते हैं, सेकेंडरी को कॉम्प्लिकेटेड किटोसिस बोलते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होगी इसकी, जो पैथोजेनेसिस है द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन ह्यूमन, देर इज एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड्स, एंड एसिटिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड आर मोर क्वांटिटी क्वांटिटी एंड किटोजेनिक। प्रोपियोनिक एसिड इज ग्लूकोजेनिक। रिडक्शन इन प्रोपियोनिक एसिड्स एंड इंक्रीज इन ब्यूटेरिक एसिड्स फेवर्स द डेवलपमेंट ऑफ केटोसिस। एंड इन हाई यील्डिंग एनिमल्स ड्यू टू इनसफिशियंट ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड पाचुरेशन एट पाचुरेशन एंड लैक्टेशन हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप्स। देर इज किटोजेनिक फैटी एसिड कैन नॉट बी इंटर इन टू टिश्यू साइकिल्स एंड रिजल्टिंग इन टू फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। एंड इन डेफिशिएंसी ऑफ कोएंजाइम एसेंशियल फैटी एसिड कांट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बट कीटोन। तो जो जो कोएंजाइम अगर उसकी कमी है, कोएंजाइम की कमी होती है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो जो टिश्यू साइकिल है उसमें नहीं जाएंगे और कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसी क्लिनिकल सिम्टम्स क्या मिलेंगे, इन केस ऑफ बोवाइन किटोसिस इट हैज़ टू मेजर क्लिनिकल फॉर्म, फर्स्ट इज वास्टिंग फॉर्म, सेकेंड इज नर्वस फॉर्म। वास्टिंग फॉर्म में क्या है, ये बहुत कॉमन है, अगर प्रो एनोरेक्सिया है और एनिमल का जो बॉडी वेट है वो लॉस हो रहा है लगातार, तो उसमें क्या है कि डिप्रेशन होगा और एक पार्टिकुलर टाइप की मुंह से स्मेल आती है, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड टाइप की, तो वो आपको देखने को मिलेगी। और वुडी अपीयरेंस मतलब कमज़ोर हो जाएगा एनिमल्स, और जो सबक्यूटेनियस फैट है वो कम हो जाएगी एनिमल्स की। एक होती है नर्वस फॉर्म, उसमें क्या होता है कि